जाएंगे और वो परमात्मा कर देंगे। तो दोनों हाथ उठा के आप चलने का वादा करो, मैं बीमार हूं काफी दिन से, जो रोजी रोटी का टाइम होता है उस टाइम में से
से जो बात ही करें, इसके बारे में चर्चा करें, वो आप जरूर करें। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अब क्योंकि मेरे पैर में भी जो ना लड़खड़ाहट हो रही है, अब ये विज्ञापन डीसी साहब की बजाय मुख्यमंत्री जी को देने जाएंगे। और ये क्योंकि मैं कल्याण में थोड़ा असमर्था मुझे लग रही है और मैं नहीं चल पाया तो फिर कहे का करता रहा, अभी तक चल पाएगा तो जब बात कर तक जाएगा। तो इसमें मैं इस बात को अभी, लेकिन आप इतना वादा मुझसे कर दो, दोनों हाथ उठा के इस संघर्ष के लिए हम तैयार हैं। अरे और कभी कुछ ना हो, आज विज्ञापन के लिए ना चलो, लेकिन हमें कभी मेरा जनाजा निकले तो उसमें तो कहने चलते आ जाना, ये मैं मानता हुआ। अगर इस वक्त पूरा कराते हुए पूरा कर जाता हूँ, ये पूरा हो जाता है तो मैं पैदल चलकर पैदल ही लेट के आऊंगा और उस दिन इसका घोषणा करके ले। लेकिन अगर जो काम शुरू किया जाता है वो जरूरी नहीं कि मेरे से पूरा हो जाए, अगर मेरे से ना हो पाए तो मेरे बच्चे इस बात की प्रतिज्ञा कर ले कि इसे पूरा करा के छोड़ दे, हरियाणा में गरीब का हाथ मिला। बात रह गई है, आप सभी आए तो मैं चलने का तो मैं छोड़ता हूँ और भाई को कहता हूँ कि जो रास्ता है जो भाई इसे देख रहे हैं वो नहीं जाके चला देगा। लेकिन चले आप सीधे तौर पर बोल रहे हैं, कोई भूखा ना चला जाए, रोजी रोटी के लिए कहते हुए और फिर भी भूखे चले जाएंगे तो घर से बहुत ही हो जाएगी। आप जो है भाग की बजाय मैं उसको यही बताता हूँ, थोड़ा सा जो हिम्मत आ जाए क्योंकि धोखे से भूख में बैठे हैं। और सिर्फ मैंने वो इसलिए नाम बनाया तो इतने बड़े जनसंख्या में लाखों के तैदाद में आए हैं, उसे रोटी का नाम दे दिया जाता, इसलिए मैंने आपको भूल रखा है, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। और ये इतने परमात्मा के नजदीक हो गए थे, उसी के नाम पे ये नूह पड़े।